यूक्रेन के साइबर ऑपरेटरों को युद्ध की अग्रिम पंक्ति में तैनात किया जा रहा है, जो एक नई तरह की हाईटेक लड़ाई में अपने रूसी समकक्षों के साथ नजदीकी से मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा SBU के साइबर विभाग के प्रमुख इलिया विट्यूक कहते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सीधे युद्ध में शामिल हैं। भारी सुरक्षा वाले SBU मुख्यालय के अंदर बोलते हुए वह बताते हैं कि कैसे उनकी टीमें हैकर्स और विशेष बलों के कौशल को मिश्रित करती हैं, रूसी सिस्टम के अंदर जाना, स्नाइपर्स के साथ काम करना और नवीनतम तकनीकों को तैनात करना। विभाग सेना के लिए लक्ष्य प्रदान करने के लिए हवाई ड्रोन, मानव स्रोतों, उपग्रहों और अन्य तकनीकी स्रोतों से खुफिया जानकारी के साथ से एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI दृश्य पहचान प्रणाली का उपयोग करता है। श्री विट्यूक कहते हैं, हम समझते हैं कि वे किस प्रकार के सैन्य हथियारों का उपयोग करने जा रहे हैं और किस दिशा में। उनकी टीमें रूसी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कब्जे वाले क्षेत्र में निगरानी कैमरों को भी हैक करेंगी और वे कामिकेज ड्रोन को यूक्रेनी गतिविधियों पर जासूसी करने वाले रूसी कैमरों को हटाने का निर्देश देते हैं। ऐसा करने के लिए अक्सर टीमों को लक्ष्य के करीब गुप्त रूप से काम करने की आवश्यकता होती है। ड्रोन कभी कभी निगरानी के लिए और कभी कभी हथियार के रूप में कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इस संघर्ष में नवाचार के अग्रणी किनारे पर रहे हैं। SBU साइबर टीम अपने स्वयं के ड्रोन उड़ाती है और रूस से संबंधित लोगों को परेशान करने के लिए बिल्ली और चूहे का खेल खेलती है। यह ड्रोन का पता लगाने के लिए सेंसर तैनात करता है ताकि ऑपरेटर न केवल उन्हें जाम कर सके बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के लिए आदेश भेजकर नियंत्रण लेने की कोशिश करे। यह सब अक्सर नजदीक से करने की आवश्यकता होती है। इससे बदले में टीम के सदस्यों को जोखिम होता है। श्री विट्यूक बताते हैं, आपको वहां उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है, इसलिए आपको उनके आसपास भी सुरक्षा की जरूरत है। राजधानी के ठीक बाहर सैन्य संचालकों को ड्रोन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एंटोन, जिन्होंने पिछले जीवन में एक हाई एंड ट्रैवल गाइड के रूप में इन्हें उड़ाना सीखा था, कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सबक ऑपरेटरों को यह नहीं सिखाना है कि ड्रोन कैसे उड़ाए, बल्कि पता लगने से बचकर खुद को कैसे जीवित रखा जाए। युद्ध के शुरुआती चरणों में छोटे ड्रोन सामने से 10 किलोमीटर 6 मील तक उड़ाए गए थे, लेकिन अब रूसी जैमिंग सिग्नलों पर काबू पाने के लिए यूक्रेनी ऑपरेटरों को बहुत करीब आने की जरूरत है। अभी अग्रिम पंक्ति की दूरी कम होती जा रही है, एंटोन एक ड्रोन को ऊपर उड़ते हुए देखते हुए बताते हैं। हमारा संबंध ठेला लगाने से अधिक मजबूत होना चाहिए। श्री विट्यूक के अनुसार रूसी खुफिया सेवाओं ने भी अपनी कुछ साइबर टीमों को अग्रिम पंक्ति के करीब भेज दिया है। इसका उद्देश्य सेना के साथ तेजी से संचार करना और पकड़े गए यूक्रेनी उपकरणों या आसपास के संचार तक सीधी पहुंच प्रदान करना है। पकड़े गए उपकरण का उपयोग अधिक सामरिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है, इससे पहले कि लोगों को पता चले कि यह रूसी हाथों में है। फरवरी 2022 के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले भी साइबर संघर्ष सैन्य अभियानों से मजबूती से जुड़ा हुआ था। एक महीने पहले रूस ने सार्वजनिक वेबसाइटों को ऑफलाइन करके जनता में दहशत पैदा करने की कोशिश की थी। श्री विट्यूक कहते हैं, यह निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन था। यूक्रेन अधिकांश सिस्टम को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन आक्रमण से कुछ घंटे पहले साइबर हमलों की एक नई लहर शुरू हो गई। सबसे प्रभावी ढंग से कुछ घंटों के लिए यूक्रेन की सेना द्वारा संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले अमेरिकी उपग्रह प्रदाता को मार गिराया गया। जैसे ही रूस की त्वरित जीत की योजनाएं धराशायी हो गई और अत्याचारों की रिपोर्टें सामने आई, सूचना प्रवाह को नियंत्रित करने का महत्व बढ़ गया। यह 1 मार्च 2022 को उजागर हुआ जब एक संयुक्त साइबर और मिसाइल हमले ने कीव में एक टीवी टॉवर को निशाना बनाया। संचार की सुरक्षा करने वाली राज्य सेवा के प्रमुख यूरी शचिहोल टावर के सामने खड़े होकर बताते हैं, वे यूक्रेनियों को सच्ची जानकारी तक पहुंच से वंचित करने की कोशिश कर रहे थे,
जहां मिसाइल हमले के काले निशान अभी भी स्पष्ट हैं, इंजीनियरों ने प्रतिस्थापन उपकरणों की तलाश में शहर का खाका खींचा और कुछ ही घंटों में टीवी प्रसारण बहाल कर दिया गया। मिसाइलों ने उसी स्थान पर एक डेटा सेंटर पर भी हमला किया, लेकिन पश्चिमी प्रौद्योगिकी कंपनियों की मदद से महत्वपूर्ण डेटा को वर्ष की शुरुआत में दूरस्थ सर्वर पर ले जाया गया था। श्री शचिहोल कहते हैं, तथ्य यह है कि यूक्रेन इस युद्ध को झेलने में कामयाब रहा। यह सिस्टम बनाने वाले हमारे दोनों विशेषज्ञों की उपलब्धि है और हमारे सहयोगियों की मदद के लिए धन्यवाद। यूक्रेन के अपने तकनीकी कर्मचारियों ने भी युद्ध प्रयासों में सहायता की है। एक तंग कीव कार्यालय में युवा स्वयंसेवक बताते हैं कि कैसे उन्होंने ग्रिसेल्डा नामक एक प्रणाली बनाई जो नवीनतम स्थितिजन्य खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया स्रोतों से डेटा को स्क्रैप करती है। इससे सेना और सरकार को हर चीज पर सवालों के जवाब देने में मदद मिलती है कि खदानें कहां बिछाई जा सकती हैं, से लेकर किस बुनियादी ढांचे की मरम्मत की आवश्यकता है। टीवी टॉवर और डेटा सेंटर पर हमला करने वाली मिसाइलों के साथ साइबर हमले भी हुए थे, और तब से साइबर और मिसाइल हमलों का अक्सर एक साथ उपयोग किया जाने लगा है।